हाँ जी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रामवीर राजपूत स्वागत करता हूँ आपके इंडिया के नंबर वन चैनल स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में। देखिए, हमने पिछली क्लास में जो बात की थी वो क्वेश्चंस लिए थे फोर स्ट्रोक इंजन पर, और फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में अब जो बारी आती है वो आती है टू स्ट्रोक इंजन की। देखिए टू स्ट्रोक इंजन, अब देखिए फोर स्ट्रोक इंजन में हमने क्या बात की थी। फोर स्ट्रोक इंजन में हमने समझा था कि भाई इंजन को स्टार्ट करने के लिए चार स्ट्रोकों की आवश्यकता होती है, चार काम करने पड़ते हैं। चार स्ट्रोकों की आवश्यकता कौन कौन सी होती है भाई? एक तो सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये हमने चार स्ट्रोक पढ़े थे, है ना। उसके बाद में इसको स्टार्ट करने के लिए चार स्ट्रोक भी चाहिए थे, मतलब चार स्ट्रोक थे, चार काम थे, चार स्ट्रोक थे, चार काम थे। तो होता क्या था कि भाई एक स्ट्रोक यानी कि टीडी से बीडी से पिस्टन चला, यानी एक स्ट्रोक में हम एक काम कर लेते थे, यानी सक्शन का काम कर लेते थे, ठीक है। फिर दूसरा स्ट्रोक आता था, पिस्टन टीडी से बीडी से आ चुका होता था, ठीक है। और BDC से फिर कहाँ जाता था? TDC, तो उस दौरान हम दूसरा काम करते थे। दूसरा काम कौन सा था? कंप्रेशन। तीसरे समय में, तीसरी बार में क्या होता था, हमें पावर मिलती थी। पावर मिलती थी तो पिस्टन TDC से BDC आ जाता था, तो हमारे को क्या मिल जाती थी? पावर मिल जाती थी। और पावर मिलने के बाद में हमारा चौथा और अंतिम काम क्या रहता था? एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट में क्या होता था? पिस्टन BDC से कहाँ की तरफ चलता था? TDC की तरफ चलता था। और पिस्टन जब BDC से TDC की तरफ चलता था तो हमारा अंतिम जो काम था एग्जॉस्ट का, वो भी कंप्लीट हो जाता था। यानी हमारे चार काम कंप्लीट हो जाते, चार स्ट्रोक इंजन था, हमारे चारों काम कंप्लीट हो जाते, ठीक है। ये तो बात हमारे किस इंजन की थी? फोर स्ट्रोक इंजन की थी। फोर स्ट्रोक CI हो या SI हो, स्ट्रोक दोनों में सेम रहेंगे। साइज का अंतर आता है, साइज CI में बड़ी होती है, SI में छोटी होती है। CI में इंजेक्टर लगा होता है, FIP लगा होता है, जो मैंने FIP आपको पिछली क्लास में बता दिया था। इसके बाद में इधर की तरफ आ जाते हैं तो हमारे क्या नाम है इसके अंदर, SI इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग के थ्रू चिंगारी लगाई जाती है, टेम्परेचर कम रखा जाता है, स्पार्क प्लग से चिंगारी लगा करके ही इंजन स्टार्ट होता है। इधर देखते थे तो भाई इंजेक्टर के थ्रू प्रेशराइज एयर के अंदर हम इंजेक्टर के थ्रू क्या करते थे, डीजल का इंजेक्ट कर देते थे, जिससे क्या नाम है आपको पावर स्ट्रोक मिल जाता। तो मतलब दोनों में कंपेरिजन थोड़ा सा देखा जाए तो हमने ये सारी बातें हमने कम्प्लीट कर ली थी। अच्छा, ये तो बात हमारी किसकी थी? फोर स्ट्रोक इंजन की। जो भी बच्चे आज नए हैं वो बच्चे सारे के सारे क्या करें, पिछला वीडियो जो भी हमारे बने हुए हैं वो सारे के सारे वीडियो आप देख लें। देखिए कोशिश करूँगा आज जल्दी से जल्दी फोटो बनाने की, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखो है ना। पहले मैं एक बार बना चुका हूँ, फिर उसका मामला गड़बड़ हो गया, तो फिर एक बार और मैं आपका एक फिगर आउट कर रहा हूँ। टू स्ट्रोक इंजन हम बात किसकी करने वाले हैं? टू स्ट्रोक इंजन की बात करने वाले। तो देखते हैं जरा भाई टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है। देखो टू स्ट्रोक इंजन देखिएगा, हम पहली वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर, देखो जो मैं आपके यहाँ पर मैं अपने हाथ से जो एक स्केच डायग्राम जो बनाता हूँ वो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ। कारण बताता हूँ, क्योंकि जो मैं स्केच से डायग्राम बनाऊँगा वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी पकड़ में आएगा, बहुत जल्दी आप उसको समझ लोगे, ठीक है। और इंटरनेट वगैरह के थ्रू जो डायग्राम मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, इनसे हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर, परीक्षाओं के अंदर इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ से। लेकिन चीज़ें वही हैं, आंसर वही है, सेम टू सेम काम वही है, हम बेसिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, सबसे निचला भाग, हाँ कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है कि भाई सर पहले से इसको स्टोर कर दिया करो, पहले लगा दिया करो, भाई पहले से लगा तो दे, लेकिन वो मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। क्या रहता है कि भाई वो अगर हम दूसरा वाला लगाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, और अभी जब मैं आपके सामने बनाऊंगा ना एक एक पॉइंट तो आपको समझते जाओगे कि भाई ये सर ने ये वाला पुर्जा यहाँ पर बना दिया है। तो देखेंगे बड़े जरा भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो तो भाई बताते जाना, आपके सुनने के लिए हम यहाँ खड़े हैं।
देखिए भाई, ये वाला जो भाग मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपका, ये नीचे निचला भाग जो आपको नीचे की तरह गोल सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला भाग मैं आपका बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ मैं आपका क्रैंक केस। क्या बना रहा हूँ? क्रैंक केस। और क्रैंक केस के अंदर यहाँ पर क्या भरा रहेगा? यहाँ क्रैंक केस के अंदर भरा रहेगा ऑयल। यहाँ क्रैंक केस के अंदर क्या भरा रहेगा? ऑयल। और ये वाला जो वाल्व है, ये है इनलेट वाल्व। और ये वाला जो वाल्व नहीं होते हैं इस इंजन के अंदर, इस इंजन के अंदर होते पॉर्ट। तो ये जो मैंने दो पॉर्ट बनाए हैं, इन दो पॉर्टों के नाम जरा सुन लो। एक तो है इनलेट पॉर्ट, एक तो कौन सा है? इनलेट पॉर्ट, ठीक है, एक तो है इनलेट पॉर्ट। अच्छा, दूसरा वाला जो है रेड कलर का जो मार्क है, ये है एग्जॉस्ट पॉर्ट, ठीक है। इसके बाद में अगर हम चलते हैं यहाँ पर, देख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा, तो यहाँ से जो पॉइंट शुरू हो रहा है, ये है आपका ये है आपका डिलीवरी पोर्ट। और डिलीवरी पोर्ट के ऊपर की साइड यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? स्पार्क प्लग ले लो या इंजेक्टर ले लो, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया। अगर हम स्पार्क प्लग ले लेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा क्या होगा? पेट्रोल इंजन में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। बाकी सारे मूवमेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब यहाँ जो पिस्टन बनाया जाएगा वो डोम टाइप पिस्टन हेड का बनाया जाएगा। और मैं इसकी पोजीशन जो लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ बीडीसी पे, है ना, देखिएगा, ठीक है। डोम टाइप पिस्टन हेड से मतलब क्या होता है भाई? डोम टाइप पिस्टन हेड का एक सिरा क्या रहता है? ऊपर की तरफ खुला हुआ रहता है ना, और ये वाला पोर्ट आपका ये रहा, ठीक है। डोम टाइप पिस्टन हेड का एक सिरा ऊपर की साइड से उभरा हुआ रहेगा, और दूसरे सिरे की अगर हम बात करें तो भाई होता क्या है, ये यहाँ पर आपका ये बंद है, ये वाला हिस्सा नीचे की साइड गया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका है वो क्या रहेगा? ये लो, ये आपका टू स्ट्रोक इंजन बन के तैयार हो गया। बहुत कम समय में ये इंजन बन के तैयार हुआ है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये है, ये कई कई स्टूडेंट या कई टीचर्स क्या कह देते हैं कि भाई इसमें क्रैंकशाफ्ट नहीं होती है। तो आप लोग ये हमेशा याद रखना कि क्रैंकशाफ्ट होती है इसके अंदर। और मैं यहाँ पर एक इसका सेंट्रल पॉइंट भी बना रहा हूँ, जो आपको वैसे दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको इमेज को अंदर के साइड से, क्योंकि जब आप इसको देखोगे तभी आपके क्या होगा, समझ में आएगा। हाँ जी, देखो भाई, हाँ, टू स्ट्रोक इंजन को चला के बताओ भाई। ये आपके अमोच कुमार नाम है, अजीब सा नाम है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई इंजन, टू स्ट्रोक इंजन को चला के बताओ भाई। वास्तव में बात तो सही है, हाँ। तो जरा हम बात करते हैं टू स्ट्रोक इंजन को चलाने की, ठीक है। अब टू स्ट्रोक इंजन में अगर, हाँ, राम राम भाइयों, साहब सभी को राम राम, है ना। अब ध्यान से समझो टू स्ट्रोक इंजन में होता क्या है। देखो, टू स्ट्रोक इंजन के को स्टार्ट करने के लिए, अभी कभी आपने स्कूटर वाले को स्कूटर स्टार्ट करते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किसी राजदूत वाले को स्टार्ट करते हुए देखा होगा, नहीं तो आपके और भी कई गाड़ियां आती हैं, TVS Max 100, ये भी उसी का एग्जांपल है। तो आपने ये सब इसको स्टार्ट करते हुए देखा होगा। इस इंजन को स्टार्ट करते टाइम देखो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे ही आप भाई गाड़ी को, आपने क्या किया, सबसे पहले क्या करोगे भाई, घर में रखी हुई है उसको बाहर निकालोगे, तो बाहर निकालते ही, गाड़ी को तुरंत बाहर निकालते ही फिर क्या करोगे आप, गाड़ी को क्या करोगे, हिलाओगे भाई, हिलाना शुरू कर दिया। हिलाने के बाद में जब वो गाड़ी पूरी तरीके से, भाई हिलाने के पीछे भी रीज़न है भाई, बार बार गाड़ी को मूवमेंट हिलाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देखो, कुछ गाड़ियों के अंदर पेट्रोल के अंदर पहले से ही ऑयल मिक्स किया हुआ रहता है।
अगर ऑयल मिक्स किया हुआ रहेगा तो सीधी सी बात है बिना हिलाए काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल दोनों क्या होना चाहिए, मिक्सअप होना चाहिए अंदर पेट्रोल टैंक के अंदर। अच्छा, कई गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनमें ऑयल का कंटेनर अलग होता है, लेकिन वो ऑयल के कंटेनर में से ऑयल एक पाइप के थ्रू इधर पेट्रोल इधर से एक पाइप के थ्रू दोनों आकर के एक जगह आकर के मिलते हैं। तो ऐसी गाड़ियों में हमें बार बार मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्कूटर में तो विशेषकर देखा ही जाता है कि जो भी व्यक्ति स्कूटर को क्या करता है, बाहर निकालता है, बाहर निकालते भाई पूरी रात भर रखा रहा और सुबह के टाइम उठे और उठ करके जैसे हमने बाहर निकले और बाहर निकालते ही सबसे पहले स्कूटर को क्या करना शुरू कर दिया, हिलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, स्टैंड पर खड़ा करने के बाद में अब उस पर बहुत ही मतलब इस उसके ऊपर किक के ऊपर प्रेशराइज़ किया जाता है। बार बार किक को क्या करा जाता है, दबाया जाता है। एक बार दबाओगे, दो बार दबाओगे, तीन बार दबाओगे, दबाते रहोगे, दिमाग में काउंटिंग चलती रहेगी, भाई यहाँ पर हम बार बार किक को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे किक पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ते ही आप यहाँ फुल तैयारी में होंगे कि आपको एक्सीलेटर भी छोड़ना है, प्लस यहाँ पर भी बहुत तेज स्पीड से मतलब रिदम बनाना है दोनों का, यानी मौसम बनाना है कुल मिलाकर के बात ये है। तो जैसे ही आप बहुत तेज स्पीड से उसके ऊपर क्या करोगे, चोट पहुंचाओगे, तो तुरंत ही एक बार स्कूटर आवाज़ करेगा, यहाँ आप जैसे स्पीड छोड़ोगे तुरंत ही गुड 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 करके स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको अभी एक बात कही है, एक एक बात में एक एक चीज़ में क्या है पॉइंट है, यहाँ पर समझते जाना भाई। हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किक को चलाना पड़ता है। कब तक चलाना पड़ता है, जब तक कि उसके ऊपर है ना प्रेशर महसूस नहीं होने लग जाता। अच्छा, ऐसी राजदूत में ऐसी और गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें भी यही है। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई, इसको देख करके आप कैसे पहचान कर सकते हो कि भाई ये इंजन कौन सा टू स्ट्रोक है कि फोर स्ट्रोक है। तो इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले नंबर पर तो पेट्रोल टैंक में अगर कोई पेट्रोल के साथ में ऑयल डलवा रहा है तो इसका मतलब समझ जाओ भाई पेट्रोल टैंक के अंदर ही ऑयल डलवा दिया, इसका मतलब ये क्या है टू स्ट्रोक इंजन। दूसरी बात, गियर बॉक्स के अंदर ऑयल नहीं डलेगा, गियर बॉक्स कह दो या क्रैंक केस कह दो, ये नीचे वाला भाग जो है ना वो क्रैंक केस का, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं मामला, यहाँ मतलब कभी कभी क्या हो जाता है ये गायब हो जाती है, तो फिर मैं इसको थोड़े डर की वजह से थोड़ा कम ही यूज़ करूँगा, बस आपके सामने बना दिया है, ठीक है, समझना एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात को जरा। तो होता क्या है कि भाई जो आपने देखा हुआ है पेट्रोल टैंक के अंदर ऑयल डलवा दिया, और पेट्रोल टैंक के अंदर अगर ऑयल डलवा दिया तो फिर क्या होगा कि भाई जब तक आप उसे क्या थोड़ा हिला करके फिर इसे यूज़ में लोगे तो सारा क्या होगा, ऑयल के साथ ही लुब्रिकेंट मतलब पेट्रोल के साथ ही लुब्रिकेंट ऑयल मिक्स होकर के क्या होगा गाड़ी के अंदर पहुंचेगा। यहाँ तक तो बात भाई हमारे समझ में आती है, लेकिन भाई ये टू स्ट्रोक इंजन है भाई, अभी तक तो चार लाड़े यानी चार स्ट्रोक थे, और चार लाड़ी यानी चार काम थे, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट। चार लाड़े मतलब TDC से BDC चलना है कितने बार, चार लाड़े और चार लाड़ियाँ थे तो मामला सेट हो रहा था, कोई दिक्कत वाली, इस बार तो मामला दूसरा है, दो लाड़े और चार मतलब दो लाड़े और चार लाड़ियाँ, तो भाई इस कंडीशन में क्या हो सकता है, वैसा होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा वर्बली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा समझना मेरी बात, स्ट्रोक तो कितने हैं दो, ठीक है, लाड़े कितने हैं दो, काम कितने करने पड़ेंगे चार। अब सीधी सी बात है क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, तो एक के साथ में दो, तो ऐसी कंडीशन होने वाली है यहाँ पर, यानी कहा जाए तो मैं कहूँगा एक स्ट्रोक में दो काम करने पड़ेंगे। अब क्रम आपको तो याद ही है, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, ठीक है, हाँ सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट चार स्ट्रोक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चार स्ट्रोकों में अब शुरुआत के दो स्ट्रोकों का नाम लो, सक्शन और कंप्रेशन। सक्शन और कंप्रेशन जो दो स्ट्रोक होंगे ये पिस्टन के एक स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे, मतलब एक स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे, यानी सक्शन और कंप्रेशन कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होने चाहिए, एक में। जरा देखते हैं बोर्ड पर कोई कैसे क्या होगा। पिस्टन देखो वहां पर क्या था, जब हम फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ रहे थे, फोर स्ट्रोक इंजन में इंजन स्टार्ट हो रहा था TDC से, कहां आ रहा था BDC आ रहा था। यहां पर क्या होगा, इंजन जो स्टार्ट होगा वो BDC से चालू होगा, TDC से नहीं होगा। माइंड में कंफ्यूजन को इसको दूर कर लेना, ये इंजन स्टार्ट ही कहाँ से होगा, BDC से, TDC से नहीं होगा, है ना। पहले वाला जो इंजन आप पढ़ करके अभी आए हो ना, वो सारा जो इंजन है वो आपका इंजन हमेशा TDC से चालू होता है, TDC से BDC की तरफ आता है। इसमें BDC का पॉइंट ये है, इसमें BDC का पॉइंट ये है ना, BDC भाई बॉटम डेड सेंटर, सबको याद है। और BDC से पिस्टन, अभी देखो मैंने पिस्टन थोड़ा सा ऊपर ही ले रखा है, समझाने के लिए ले रखा है, थोड़ी देर बाद नीचे आता है ना। तो अब और एक पॉइंट, अगला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ तक, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा TDC,
यानी कि टी बी डी। अब ये इंजन जो स्ट्रोक जो चलेगा वो कहाँ से कहाँ को चलेगा, ये चलेगा आपका बी डी सी से चलना शुरू होगा, बी डी सी से चलेगा, और बी डी सी पर चलने पर होगा क्या, सक्शन होगा। सक्शन के बाद में क्या होगा, सक्शन के बाद में क्या होगा, कंप्रेशन भी यहीं पर ही हो जाएगा। सक्शन के बाद में कंप्रेशन भी यहीं पर ही हो जाएगा, और कंप्रेशन के बाद में लास्ट में क्या होगा, टी डी सी पर पिस्टन पहुंच जाए। यानी दो काम होंगे, एक तो सक्शन होगा, एक कंप्रेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सक्शन और कंप्रेशन। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला था, इस इंजन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किक को चलाना पड़ता है। सुनो, इस इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके माइंड में, और किताबों से जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तब आपके माइंड में ये चीज़ नहीं बैठेगी, जिसको हम यहाँ बर्वली थोड़ा सा समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, नहीं तो फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। देखो अभी क्या कर रखा है मैंने, ये पिस्टन मैंने यहाँ पर रोक रखा है। किस जगह रोक रखा है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाँ यार तुम्हें पढ़ा तो दिया पेट्रोल और एयर। कमल, कमल जी पूछ रहे हैं, बोला भाई पेट्रोल और एयर का रेशियो कितना होता है। मैंने आपको बताया ना, आदर्श रासायनिक दृष्टि से सर्वोत्तम जो होगा वो 1:15 होगा, ठीक है, 1:15 बताया ना मैंने कई बार आपको, ठीक है। अब भी यार टू स्ट्रोक इंजन को कंप्लीट कर ले, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा यहाँ पर। अभी अब होगा क्या, देखो अभी ये पिस्टन, अब मैं मूवमेंट पहले समझा दूँ उसके बाद में फिर इसको, भाई मूवमेंट क्या होता है, ये पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट है ना, ये पिस्टन मेरा ये वाला समझ लो, हाँ ये पिस्टन मेरा ये वाला हाथ है, कौन सा वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, ठीक है, और ये अंगूठा है, ठीक है। अंगूठा क्या है, ये अंगूठा जो है इस रॉड का काम कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड के बाद में ये वाला पिछला वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसका है, लोड का है, ये क्या है, लोड है, और लोड जो है अभी ये ऊपर की साइड लोड है, और ये वाली जो मेरी उंगली है ना, ये वाली जो उंगली है वो यहाँ नट का काम कर रही है, तो यानी ये लोड ऊपर की साइड है, और लोड ऊपर की साइड होने के साथ साथ इस तरीके की पोजिशन है। जैसे पिस्टन कहां जाएगा, पिस्टन जैसे ही यहां से कहां जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा, तो ये लोड जो है ना, ये लोड जो है ना, पिस्टन जैसे ही ऊपर की साइड जाएगा, तो देखो इस बार अभी तो ये ऊपर एक है पैरेलल है, और जैसे ही क्या नाम है आपका, ये पिस्टन ऊपर की साइड जाता है, पिस्टन जैसे ही ऊपर की साइड जाएगा तो ये लोड कहां आएगा, नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से इस साइड से लो, नीचे की साइड लोड कहाँ आएगा, नीचे की साइड पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड, पिस्टन को ये धक्का देगा। अब ध्यान सुनो, यानी ये वाला जो हिस्सा जाएगा कहाँ की तरफ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ से चल करके कहाँ की तरफ जाएगा, इस जगह पर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चल के कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की साइड आएगा, समझ गए ना मेरी बात, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये वाला काम, और पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर की साइड, ठीक है। अब होता क्या है, ये मूवमेंट है, अब मूवमेंट के अकॉर्डिंग मेरे को तो एक और डायग्राम अभी चाहिए इसका, है ना, तब आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये मूवमेंट है पिस्टन का, इस तरीके का मूवमेंट होता क्या है, अभी तो जैसे ही क्या नाम है आपके, मैंने थोड़ा सा इसमें ना गड़बड़ किया हुआ है, यहाँ हल्का सा मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहूँगा, है ना, होगा क्या, देखिएगा, ये है, ठीक है, ये आपका मैंने पिस्टन यहाँ पर बना दिया। होगा क्या, अभी देखो यहाँ पर ये रास्ता खुला हुआ है, मेरी कुछ वजह से यहाँ पर है नहीं, मैं अभी देखता हूँ वाइट कलर से कर देता हूँ इसको, है ना, देखो ये वाला रास्ता क्या है, खुला हुआ है, ये वाला रास्ता क्या है, खुला हुआ है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एयर और पेट्रोल, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूँ, एयर और पेट्रोल का रेशियो 15:1 क्या रहेगा, 1 रहेगा, है ना, 15 गुना तो हवा रहती है और एक मात्रा उसमें किसकी होती है, पेट्रोल, पेट्रोल और एयर का मिश्रण यहाँ से इस वाले पॉड के थ्रू कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये होगा क्या, ध्यान समझना, मैं थोड़ा 2 सेकंड के लिए इसको देखो, है ना, इस तरीके से बंद ही रखो इसको, तभी ना, अभी पिस्टन नीचे की साइड आया, नीचे की साइड से जैसे ये थोड़ा सा कहाँ जाएगा,
थोड़ा सा आगे के साइड बढ़ेगा, यानी इस पॉइंट तक आप इसको लेकर के जाओ, इस पॉइंट तक आप लेकर के जाओ, इस पॉइंट तक जब आप लेकर के जाओगे तो पिस्टन आपका यहाँ से चल के थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। और जब आपका पिस्टन ऊपर की साइड जा रहा होगा तो थोड़ी सी कंडीशन इस तरीके की, सॉरी, थोड़ी सी कंडीशन इस टाइप की हो जाएगी कि पिस्टन सिलेंडर में इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएगा, पिस्टन सिलेंडर यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला पॉर्ट क्या रहेगा, बंद रहेगा। और ये वाला जो पॉर्ट है आपका, ये वाला जो पॉर्ट है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, है ना। तो देखना जरा, समझना मेरी बात को। और ये लोड जो है वो लोड थोड़ा सा इतना थोड़ा सा हल्का सा क्या होगा, आगे की साइड बढ़ेगा, हल्का सा ये लोड कहाँ की तरफ बढ़ेगा, आगे की साइड बढ़ेगा। और कनेक्टिंग रोड आपकी जो है वो इस जगह पर यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, एयर और पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगा जब पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा। अच्छा, पिस्टन कहाँ जाएगा, थोड़ा सा कहाँ जाएगा, ऊपर की साइड जाएगा। अब पिस्टन जब थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा तो तुरंत ही यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिश्रण, एयर और पेट्रोल का, पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना बात को भाई। पहले नंबर पर तो आएगा पेट्रोल, है ना, पेट्रोल, और क्या आएगा आपका, प्लस क्या आएगा, एयर। एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण है वो इसके अंदर आ जाएगा, है ना। और एयर और पेट्रोल का मिश्रण आने के बाद में देखो आया कहाँ पर, जरा बात समझने वाली बात ये है कि पेट्रोल और एयर का मिश्रण प्रवेश कहाँ किया, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। आप इसको जरा समझना, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम बोलते हैं क्रैंक केश। क्या कहते हैं, क्रैंक केश। तो कभी भी मिश्रण जो टू स्ट्रोक इंजन के अंदर, टू स्ट्रोक इंजन के अंदर कभी भी नया चार्ज आता है वो किस में आता है, क्रैंक केस में। अभी इंजन हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे को एक राउंड इस इंजन को फ्री में चलाना पड़ेगा, ये जरूरी है, इसके लिए आवश्यक है। अब यानी कि हमारा जो एक बार जो बाहर से नया चार्ज, जो बाहर से मैंने बताया ना, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, ये थोड़ा इससे इधर की तरफ आएगा, और जब ये थोड़ा सा इससे इधर की तरफ आएगा, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर, तब यहाँ से एयर और पेट्रोल का मिश्रण आएगा। देखो यहाँ जगह है काफ़ी सारी, मैंने यहाँ बहुत सारी जगह छोड़ी है, यहाँ से, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पूरा टच होकर के चलने वाला है, ठीक है। एयर और पेट्रोल का मिश्रण यहाँ पर अंदर आ गया क्रैंक केस के अंदर, और क्रैंक केस के अंदर आने के बाद में देखो अभी यहाँ पर क्या है, खाली है, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक है, यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, ब्लैंक है। और ब्लैंक एरिया जब यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैंक एरिया मौजूद है, तो इंजन भाई पावर मिलेगी तो यहाँ से मिलेगी, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी इंजन का स्टार्ट नहीं होगा, अभी सिर्फ हम इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं। अब ये लोड वाला हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, और नीचे की साइड आने के बाद में अब मेरे को एक फाइल और ऐड करनी पड़ेगी। मैडम हो सके तो इसका वो बना लेना आप, है ना, इसको देख लेना आप, है ना, क्योंकि मामला इसका गड़बड़ हुआ तो फिर इसको 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 रफ कर रहा हूँ बस, है ना, इसका आप एक बार ले लो ना। ओके, अब देखिएगा पर हम समझ रहे हैं। देखो अगला जो पॉइंट है इसको बस आपने अगर एक बार, भाई टू स्ट्रोक इंजन को मुझे समझने में 3 से 4 महीने लग गए थे, 3 से 4 महीने का समझना मेरी बात को। मैंने इंजन का बिल्कुल हाफ जो कटा हुआ भाग होता है वो भी देख लिया, किताबें भी देख ली, टीचर का दिमाग भी बहुत खा लिया, लास्ट में आकर के मैं दुखी हो गया, मैंने इंजन को छोड़ दिया, मैं जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था। तो फिर कुल मिलाकर के फिर मामला मैंने आता है थर्ड ईयर के अंदर रहता है ना, तो कुल मिलाकर फिर लास्ट में आकर मैंने यार थोड़ा एक और बार देख लेते हैं हल्का सा, फिर मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत ढंग से समझाया इसको। तो कुल मिलाकर के आप समझो जरा, ये पॉइंट टू पॉइंट बात है, बहुत मतलब बारीक बातें हैं जिसके बारे में हमें एक एक नॉलेज होनी चाहिए। और फिर ये एग्ज़ाम में कुछ इसी तरीके से पूछी जाती हैं कि आपको नॉलेज है या नहीं है, इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पूछा जाता है। तो भाई देखो हम यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, देखो एक दिन में कोई टीचर बन के तैयार नहीं होता, टीचर बनने में बहुत समय लगता है। हम जो चीज़ें यहाँ पर हो सकता है कि आपको है ना 10 मिनट में 5 मिनट में पता चाहे, हो सकता है उसमें हमारी मेहनत क्या हो 10 साल की हो, है ना। तो कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में हम लोग पढ़ाना सीख गए या एक दिन में यहाँ पर आकर के खड़े हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें अभी टाइम लगा है यहाँ पर तैयार होने में। अब देखो जब मैं नेक्स्ट कंडीशन में आ रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट कंडीशन में आ रहा हूँ, नेक्स्ट कंडीशन में देखना भाई होता क्या है, ये पिस्टन चला जाता है ऊपर, है ना, और ये वाला जो आपका कनेक्टिंग रॉड ये है, ठीक है,
और कनेक्टिंग रॉड, जब पिस्टन ऊपर की साइड चला गया तो कनेक्टिंग रॉड का पार्ट ये वाला ऐसा, ये सॉरी इंजन वही है और ये मैंने आप यहाँ बता दिया बना करके। और कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका इनलेट वाल्व, इनलेट पोर्ट रहेगा, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इनलेट पोर्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की साइड आपका रहेगा, यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट रहेगा, इनलेट नीचे रहेगा, एग्जॉस्ट ऊपर रहेगा, ठीक है। और इनलेट और एग्जॉस्ट, अब ध्यान समझना, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। अब समझो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात को, डिलीवरी पोर्ट इस साइड मौजूद है, थोड़ा टाइम लगता है चीजों को बनाने में, लेकिन एक बार बन जाएगी तो फिर आपके पूरे एक एक समझ में आ जाएगा, है ना। टाइम तो लगता है हर चीज को समझने में, टाइम लगता है। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि पिछली स्लाइड के अंदर हमारा चल रहा था, वो क्या चल रहा था, हमने क्या बात की थी कि भाई पेट्रोल और एयर का मिश्रण यहाँ पर देखो, इस तरफ जुड़ा हुआ है, इस तरफ, इस वाली के नोर पर जुड़ा हुआ है, और ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा। और जब ये वाला हिस्सा नीचे की साइड आएगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, देखो आपको कुछ किस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का, वो थोड़ा साइज का बड़ा हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और क्या होगा, यहाँ पर एयर, यहाँ एयर है ना, एयर भी होगी, लेकिन अब जो एयर होगी वो पूरी तरीके से पेट्रोल के साथ मिक्स हो करके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, किस फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल। अब ये वाला जो नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये जो आपको गोल सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको गोल सा दिखाई दे रहा है, ये जो आपके आपने मोटर देखी है ना, पानी की मोटर आपको बताते हैं, पीछे की साइड सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें, पानी के मोटर के अंदर पीछे की साइड के क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। और सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा वो आपका, समझते जाओ यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये पानी को अप करने वाला रहेगा, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा पानी को इन करने वाला होगा, ठीक है। पानी को इन करने वाला पॉइंट कौन सा वाला होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इससे पानी क्या होगा, सिलेंडर के, सॉरी पंप के अंदर आता है पानी, है ना, वाटर, पानी यहाँ से अंदर आता है, और यहाँ पर एक क्या रहता है, ब्लेड रहता है, और जैसे ही पानी यहाँ पर मौजूद रहेगा तो पानी अब क्या होगा, हैवी टॉर्क क्रिएट होगा यहाँ पर, और हैवी टॉर्क होने के कारण फिर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण एक समय यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी पानी होगा, तो पानी पूरी तरीके से इसके किनोर से टच होकर के चलेगा। आपने देखा होगा किसी बाल्टी के अंदर अगर हम हाथ डाल करके तो गोल 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 घुमाते तो पानी ऊपर की साइड चढ़ता है, तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा उसकी वजह से यहाँ से पानी सीधा कहाँ जाएगा, पंप होगा, कहाँ की तरफ पंप होगा, ऊपर की साइड पंप होगा। तो कुल मिलाकर के ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का एग्जांपल है। और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट है ना, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह ही कार्य करता है ना। अभी हमने इंजन स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ एक राउंड खाली चलाना पड़ता है, इस इंजन की पहली डिमांड यही होती है कि हमें एक राउंड क्या करो, खाली चलाओ। अब ये जो आपका लोड है ना, नीचे वाला भाग, ये क्या कहलाता है, लोड कहलाता है। और लोड कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर के साइड मूवमेंट कर रहा है। अब ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहा है तो अब आपको ये वाला पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा, इस वाले पॉइंट में से क्या होगा, एयर और पेट्रोल का मिश्रण यहाँ से अंदर की साइड चला जाएगा। अब देखो दोबारा से देखते भाई, मैं आपके कमेंट देखूंगा, आराम से देखूंगा, लेकिन पहले तो आप मेरी एक एक पॉइंट को समझ लो, क्योंकि टाइम लगता है एक एक चीज को समझ में। तो भाई ये यहाँ से गुजरा होगा, और यहाँ से जब गुजरा होगा तो यहाँ से एयर और पेट्रोल दोनों यहाँ से टकराती हुई इस रास्ते से होती हुई यहाँ पर पहुँची होंगी एयर और पेट्रोल। और एयर और पेट्रोल जब यहाँ पहुँच जाएंगी, देखो एक राउंड तो हमने क्या किया, इसको खाली चला दिया, अब एयर और पेट्रोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। और एयर और पेट्रोल जब यहाँ आ गया तो देखो भाई ये एयर आ गया और ये पेट्रोल आ गया, ठीक है। एयर और पेट्रोल जब यहाँ मौजूद हो गया तो अभी हमने एक राउंड चला के कंप्लीट कर लिया। तो अब ये क्या हुआ, जो पहले तो हम कहाँ से कहाँ गए हैं, पहले नंबर पे हम गए हैं टी डी सी से कहाँ गए हैं, बी डी सी,
ठीक है, टीडीसी पर से हम कहाँ गए थे, बीडीसी, और बीडीसी से फिर रिवर्स कहाँ आएंगे, टीडीसी, ठीक है। तो अभी हम टीडीसी से, सॉरी मैं गलत लिख गया यार यहाँ पर, अभी हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बीडीसी से टीडीसी, टी डी सी, ठीक है। हाँ, अब चल समझना मेरी बात को, अब मैं थोड़ा फास्ट लेने वाला हूँ, है ना, ताकि आपको टॉपिक ये क्लियर हो जाए। थोड़ा समझना इस यहाँ पॉइंट को कि भाई होगा क्या कि पहले नंबर पर, पहले राउंड में जो मिश्रण चला था वो मिश्रण यहाँ से चला था, पहले राउंड में यहाँ से चला था। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए भूलो, पहले नंबर पर तो मिश्रण ये आया था और ये यहाँ से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ और इस रास्ते से होता हुआ, वो कहाँ पहुँच गया आपका, वो पहुँच गया अब आपके यहाँ पर, इस वाले पर पहुँच गया, यानी एक नंबर का जो मिश्रण था वो पहुँच गया इसके अंदर, यानी कि अब यहाँ पर ये एक नंबर वाला मिश्रण बिल्कुल भी नहीं है, एक नंबर की जगह पर अब क्या आ जाएगा, अब इस एक नंबर वाले मिश्रण की जगह पर अब आ जाएगा आपका दो नंबर। कौन सा नंबर आ जाएगा, दो नंबर। ये पॉइंट है यहाँ पर, सबसे बड़ा पॉइंट टू स्ट्रोक इंजन के अंदर यही है भाई, पहला वाला जो मिश्रण आया वो इस रास्ते से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ और फिर दोबारा वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ अंदर की साइड पहुँच गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है। अगर आपने इसको समझ लिया तो इंजन आपकी पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, यानी कि जो अंदर सिलेंडर में पहुँच चुका है, जो अंदर सिलेंडर में पहुँच चुका है वो मिश्रण पहली बार में आया हुआ है, और ये वाला जो मिश्रण अभी जो आया है ये दो नंबर हो चुका है, ठीक है। अब होगा क्या, जो मिश्रण बाहर से अंदर आया, जो मिश्रण बाहर से कहां पर आया, अंदर की साइड आया, वो मिश्रण, उस मिश्रण का बीडीसी पर, बीडीसी पर तो हम क्या कहते हैं, होता क्या है, सक्शन होता है, उस मिश्रण का बीडीसी पर क्या होता है, सक्शन होता है, उस मिश्रण का बीडीसी पर क्या होता है, सक्शन होता है। सक्शन किस नंबर वाले का हो रहा है, सक्शन हो रहा है दो नंबर वाले का। सक्शन कौन से नंबर का हो रहा है, सक्शन हो रहा है दो नंबर का, इसको मैं माइंड वहां दिख करके बता रहा हूं। सक्शन तो हमने किसका माना है, यहां पर दो नंबर का माना है। अब देखो, लोड नीचे की साइड जाएगा, लोड जैसे जैसे नीचे की साइड जाएगा पिस्टन वैसे वैसे, लोड जैसे घूम करके नीचे की साइड जाएगा पिस्टन ऊपर की साइड जाएगा, और पिस्टन जब ऊपर की साइड जाएगा तो ये जो सीमा है, ये वाली जो सीमा है, ये वो कौन सी वाली है भाई, यहाँ से या इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट के ऊपर तो एक भी पॉइंट नहीं है जो ऊपर की साइड खुला हुआ हो। तो जैसी पिस्टन यहाँ पहुँचेगा, जैसी पिस्टन यहाँ पहुँचेगा, हम सेकेंड नंबर स्लाइड में आते हैं, देखो भाई जैसी पिस्टन अपनी सीमा से ऊपर की साइड पहुँचेगा, और अब ये कौन सा हो गया है, अब ये एक नंबर की जगह, अब ये क्या हो गया है, ये एक नंबर नहीं रहा, अब ये एक नंबर की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दो नंबर का मिश्रण, ठीक है। और एक नंबर आपका कहाँ पर है, एक नंबर जो है आपका इस जगह पर, इस जगह पर है ना, एयर और पेट्रोल दोनों एक साथ है यहाँ पर, ठीक है। और जब एयर और पेट्रोल दोनों एक साथ है यहाँ पर, और ऊपर की साइड लगा हुआ है स्पार्क प्लग, ऊपर की साइड क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग, ऊपर की साइड क्या लगा हुआ है, स्पार्क प्लग, और ये जो स्पार्क प्लग है ना, स्पार्क प्लग अब ये इंतजार कर रहा होता है कि हमारे पास कंप्रेस हुआ हुआ मिश्रण आ जाए। ये कौन से नंबर का मिश्रण है, ये पहले नंबर वाला मिश्रण है जिसका कंप्रेशन हो रहा है, और ये दूसरे नंबर वाला मिश्रण यहाँ पर पहुँच चुका है। पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना। अब जैसे ही पिस्टन क्या करेगा, टी डी सी को टच करेगा, किसको टच करेगा, टी डी सी को टच करेगा। अभी टी डी सी पहुँचा नहीं है, पहुँच रहा है धीरे धीरे, जैसे ये टी डी सी को टच करेगा, टी डी सी को टच करते ही देखो भाई, हमने दोबारा से थोड़ा पीछे वाले स्लाइड में चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के हो क्या रहा था, हो क्या रहा था, जरा समझना। जब हम कहाँ से कहाँ चले, बीडीसी से चले, तो बाहर से नया चार्ज आया, दो नंबर है, और एक घूम करके कहाँ चला गया, ऊपर। हमारा काम क्या था, एक राउंड फ्री में चलाना इसको, और एक राउंड फ्री में चलाने का मतलब क्या था, कि यहाँ पर ये चार्ज यहाँ पहुँच जाना चाहिए, पहुँच गया एक बार, उसके बाद में नया चार्ज यहाँ से अंदर की तरफ गया, और यहाँ से अंदर की तरफ जाने के बाद में इस रास्ते से होते यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो जो नया चार्ज आया उसे तो हमने क्या बोला, सक्शन, और जो एक नंबर चार्ज जो यहाँ पहुँच चुका है, पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ऊपर की साइड जा रहा है, जैसे जैसे ये टी डी सी तक पहुँच रहा है, तक पहुँच रहा है, पॉइंट को समझो,
तक पहुंच रहा है, वहां तक तो इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, वहां तक तो इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, यानी कि अब टीडीसी तक पहुंचने तक कंप्रेशन होगा, और जैसे ये टीडीसी को टच कर लेगा, जैसे ये टीडीसी को टच कर लेगा, पिस्टन जैसे ही टीडीसी को क्या कर लेगा, टच कर लेगा, पॉइंट यहां पहुंचेगा, तुरंत ही टीडीसी पर ही, ध्यान समझना, तुरंत ही टीडीसी पर ही, टीडीसी पर ही, टीडीसी पर ही, ठीक है, टीडीसी पर ही क्या हो जाएगी, पावर मिलेगी, तुरंत पावर मिलेगी। पावर कैसे मिलती है, जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी को यहाँ टच करेगा, तुरंत यहाँ स्पार्क होगी, स्पार्क होती है पेट्रोल और हवा का मिश्रण, जलेगा, जलेगा तो फैलेगा, फैलेगा तो फैलते ही पिस्टन पे क्या लगाएगा दबाव, पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की साइड, टीडीसी से कहाँ की तरफ आएगा, बीडीसी की तरफ, और टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब ये पिस्टन आएगा, तो ध्यान से समझना, जब ये बीडीसी पर आएगा, जब ये बीडीसी पर आएगा, तो बीडीसी टीडीसी पर तो मिलेगा क्या, पावर। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की साइड आएगा, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले नंबर पर कौन सा पॉट खुलेगा। देखो भाई यहाँ पर देखना जरा, ये वाला हिस्सा तो यहाँ से खुलना शुरू हो रहा है, और ये वाला तो हिस्सा यहाँ पर ही क्या हो गया, ओपन हो गया। तो अगर मैं आपको इसको मैच करके बताऊँ थोड़ा सा, तो 19-20 का आपका थोड़ा डिफरेंस यहाँ रहेगा ना, तो जरा समझना इस बात को, होगा क्या, यहाँ से जब ये मिश्रण जब चलेगा, तो कुल मिलाकर के आप समझने की कोशिश करो कि जब ये पिस्टन ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, सबसे पहले कौन सा वाला पॉट खुलेगा, ये वाला पॉट खुलेगा, और इसे मैंने कौन सा नाम बताया था, एग्जॉस्ट पॉट, कौन सा नाम बताया था, एग्जॉस्ट पॉट। और जैसे ही मिश्रण में स्पार्क लगी हुई, जला होगा तो फैला होगा, तो हमें मिली होगी पावर, और पावर मिलते पिस्टन जैसे ही झटके से नीचे आया होगा, किस पर आया होगा, बीडीसी पर आया होगा, जैसे ही पिस्टन झटके से नीचे बीडीसी की तरफ आया होगा, तो बीडीसी पर आते ही होगा क्या, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बीडीसी पर आते ही क्या हो जाएगा, आपका एग्जॉस्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका एग्जॉस्ट का काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले हमारा पिस्टन चलेगा, एग्जॉस्ट का काम कंप्लीट हो गया, और इधर एग्जॉस्ट का काम कंप्लीट किसका हुआ, एक नंबर मिश्रण का, एक नंबर मिश्रण का, ठीक है। अब देखो मैं इस वाली कंडीशन पे आ रहा हूं, दूसरी वाली कंडीशन इस वाले पॉइंट पर देखते हैं, जब पिस्टन, आप इस वीडियो को एक और बार देख लेना भाई, एक का हमारे कह सकते हो कि आपके ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि हम उसको चीज़ को दोबारा पीछे जा करके दे सकते हैं, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो शायद आपको एक बार जो मैंने समझा दिया उसके बाद आप दोबारा ना देख पाते, लेकिन अभी मैंने क्रम से समझाया एक एक बात को, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, आप एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा से देखना, एक एक पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, तो जरा देखना, जरा हुआ क्या, जो एक नंबर का मिश्रण जो ऊपर जाके जल चुका था, जलने के बाद में जैसे ही पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे की साइड आएगा, तो एक नंबर का ही जो ऊपर की साइड से नीचे की साइड आएगा, तो एक नंबर का ही धुएं के रूप में कन्वर्ट होगा, और धुएं के रूप में कन्वर्ट होते यह एक नंबर वाला मिश्रण ही यहां से पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है यहां से धुएं के रूप में, किसके रूप में, धुएं के रूप में यहां से क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। कौन सा नंबर निकल गया, निकला कौन सा नंबर, एक नंबर। अच्छा, पिस्टन जैसे जैसे नीचे की साइड आएगा, आप यहां समझ चुके होंगे कि देखो यहां पॉइंट मैंने जो बनाया, देखो यहां पर ध्यान देना, जरा यहां ध्यान देना हल्का सा, देखो होगा क्या, देखो इस वाले पॉइंट तक तो एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं बाहर निकलता रहेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा एग्जॉस्ट पॉट से तो यहाँ धुआं बाहर निकलता रहेगा, और जैसे पिस्टन इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो यहां से वो दो नंबर वाला जो मिश्रण था जो अभी यहां पर ही आया हुआ था, तो इसकी जगह पर तो फिर तीन नंबर आने वाला है इसकी जगह पर, तो है ना, इसकी जगह पे तो तीन नंबर आने वाला है, और ये दो नंबर वाला जो चार्ज है वो एक नंबर को पूरी तरीके से बाहर निकाल करके ये यहाँ पहुँच चुका होगा, ये इस दो एक नंबर को, एक नंबर तो बाहर निकल गया, तो यहाँ कौन आ गया, दो नंबर आ गया, यहाँ दो नंबर आ गया, तो दो नंबर यहाँ आया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, तीन नंबर का हो गया यहाँ सक्शन, और दो नंबर कंप्रेशन के लिए हो गया तैयार, समझ में आया यहाँ पर, और एक नंबर आपका क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा, बाहर की तरफ निकल गया। तो हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया, हम बीडीसी से चले पहली बात तो, और बीडीसी पर हमने क्या किया, सक्शन किया, और जो हमने एक राउंड पहले घुमा दिया था इंजन को, जो हम बार बार पुशअप करते किक को, तो उस पुशअप करने के कारण से
बाहर से जो नया चार्ज आता है वो सिलेंडर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, बार बार भर रहे होते हैं, और भर लिया होता है उसके बाद में जैसे ही हम किक चला रहे होते हैं तो नया चार्ज अंदर घुस जाता है इधर से, और पुराने वाले का हम कंप्रेशन कर रहे होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो पहले बीडीसी पर तो क्या होता है, सक्शन होता है। बीडीसी पर क्या होता है, सक्शन। बीडीसी यानी पिस्टन इस वाली पोजिशन पे है तो बाहर से नया चार्ज कहां आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो हो रहा है सक्शन। और सक्शन होने के बाद में, अब देखो मैं तीन नंबर से लेके चल रहा हूं, तीन नंबर वाले का तो हुआ सक्शन, तीन नंबर वाले का तो क्या हुआ, सक्शन हो गया। तीन नंबर वाले का क्या हुआ, सक्शन। तो भाई कंप्रेशन किसका हो रहा होगा, तीन नंबर वाले का तो यहाँ सक्शन हुआ है, तो कंप्रेशन आपका किसका हो रहा होगा, चार नंबर का कंप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है। और चार नंबर का जब यहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा तो फिर क्या होगा इसके अंदर, चार नंबर यहाँ पर जाकर के क्या होगा, सॉरी मैं गलत बोल गया, थोड़ा सा दोबारा से देखो तीन नंबर का तो यहाँ क्या हो रहा है, सक्शन। और सक्शन होने के बाद में यहाँ पर दो नंबर का क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। और दो नंबर का कंप्रेशन होने के बाद में यहाँ पर दूसरी वाली स्लाइड में यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ दो नंबर जो है आपका ये कंप्रेशन की पोजिशन में हुआ, किस पोजिशन में होगा, कंप्रेशन वाली पोजीशन में होगा, है ना। दो नंबर कंप्रेशन वाली पोजीशन में होगा, और दो नंबर जब यहाँ कंप्रेशन वाली पोजीशन में होगा तो तीन उससे पहले दो नंबर आपके कंप्रेशन वाली पोजीशन में, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, तीन नंबर का सक्शन हुआ, दो नंबर कंप्रेस हो रहा है, दो नंबर जैसे ही आपका यहाँ क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, और कंप्रेस होने के बाद जैसे ही जलेगा तो जलती पिस्टन नीचे की साइड आएगा, तो अभी इस एक नंबर की जगह पे क्या सा नंबर आ जाएगा, दो नंबर बाहर निकल रहा होगा। तो कुल मिलाकर के यही सिस्टम हमेशा चलता रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको शुरुआत से समझाया एक एक पॉइंट, अगर आप पुरानी स्लाइड को दोबारा से देखोगे आपके क्लियर हो जाएगा सारा का सारा। लास्ट मोमेंट और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ आपका, यहाँ पर समझ लो, जब पहले तो हम चलेंगे कहाँ से कहाँ चलेंगे, पहले हम चलेंगे बीडीसी से टीडीसी की तरफ, कहां की तरफ चलेंगे, टीडीसी की तरफ, ठीक है। तो जो हम चार्ज एक राउंड तो हम पहले घुमा चुके होंगे एक्स्ट्रा, ये तो हमारा एक्स्ट्रा चलेगा ही, ये तो हमारा एक राउंड एक्स्ट्रा हो चुका हो, तो उस एक्स्ट्रा वाले राउंड में जो हमारा नया चार्ज आया हुआ होता है उसका क्या हो जाता है आपका, सक्शन होने के बाद में हो रहा होता है कंप्रेशन, ठीक है। और जो चार्ज कंप्रेस होने के साथ साथ नीचे की साइड इसके अंदर क्रैंक के इसके अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसका हो रहा होता है सक्शन, ठीक है। एक राउंड एक्स्ट्रा घुमाया होता है उसमें जो पहले राउंड में आया होता होता उसका तो हो रहा था कंप्रेशन, और जो नया आया होता उसका क्या हो रहा था सक्शन। और सक्शन होने के बाद में इधर तो सक्शन हुआ इधर कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन होने के बाद में कंप्रेशन कंप्लीट होते ही जैसे ही पिस्टन टीडीसी को क्या करेगा, टच करेगा, तो टीडीसी पर ही हमें क्या मिल जाएगी, पावर। यानी टीडीसी पर दो काम हो गए, टीडीसी पर ही दो काम कौन से हो गए, कंप्रेशन और पावर। और उसके बाद में टीडीसी से जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, बीडीसी पर जाएंगे तो बीडीसी पर जाते ही क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। बीडीसी पर जाते ही क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट। यानी कि जब हमने एक स्ट्रोक कंप्लीट किया तो एक स्ट्रोक, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दे देना भाई, जब हम बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाते हैं तो हमारा कितना स्ट्रोक कंप्लीट होता है, एक स्ट्रोक, ठीक है। और जब एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो एक स्ट्रोक में कौन कौन सा काम हुआ, सक्शन का काम हुआ और कंप्रेशन का काम हुआ, ठीक है। उसके बाद हम टीडीसी से कहाँ चलते हैं, बीडीसी, तो हमारा कौन सा स्ट्रोक कंप्लीट होता है, दूसरा स्ट्रोक। और दूसरे स्ट्रोक में कौन सा काम होता है, एक तो पावर का होता है और एक क्या होता है, एग्जॉस्ट। तो कुल मिलाकर के पहले स्ट्रोक में तो सक्शन और कंप्रेशन होता है और दूसरे स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट। जैसा मैंने क्लास आपको स्टार्ट की थी तो उसी समय आपको एक एक बात मैंने आपको समझाई थी, पहले स्ट्रोक में हमारा काम क्या होगा, सक्शन का और कंप्रेशन का होगा, ठीक है। और दूसरे स्ट्रोक में हमारा क्या काम होगा, पावर और एग्जॉस्ट। यानी क्रम वही है, सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट। अगर कोई पहला स्ट्रोक पूछता है तो सक्शन और कंप्रेशन बोलना है, सक्शन और क्या बोलना है, कंप्रेशन बोलना है। और अगर कोई दूसरा स्ट्रोक बोल देता है पावर और एग्जॉस्ट बोल देना है। भाई इस वीडियो को आप शुरुआत से एक बार आप प्लीज़ देख लेना,
थोड़ा फास्ट करके कोई ऑप्शन और आता है इसमें, जो वीडियो रहती है ना उसके अंदर कोई ऑप्शन भी आता है, तो उस ऑप्शन को भी आप क्या करना, देख उसको थोड़ा फास्ट करके वीडियो को एक बार रिवाइंड जरूर कर लेना, ताकि आपका एक एक पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखो भाई, आज के लिए तो मैं यहाँ धन्यवाद करूँगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो क्रिएट होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई टू स्ट्रोक इंजन कितने स्ट्रोकों में स्टार्ट होता है, तो भाई दो स्ट्रोकों में स्टार्ट होता है। टू स्ट्रोक इंजन का लुब्रिकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ईंधन के साथ में ऑयल को मिक्स करना चाहिए। फोर स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा कितनी शक्ति उत्पन्न या कितने गुनी शक्ति उत्पन्न करता है, भाई ये दो स्ट्रोक में एक पावर दे रहा है, भाई दो स्ट्रोक में कितनी पावर दे रहा है, एक पावर दे रहा है, तो सीधी सी बात। और वो कितने स्ट्रोक में, चार स्ट्रोक में एक पावर दे रहा है, भाई चार बार जाने के बाद में एक चीज़ मिल रही है, और यहाँ दो बार जाने में एक चीज़ मिली, तो पावर कौन देने वाला, पावर देने वाला टू स्ट्रोक ज़्यादा। अच्छा, फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो फोर स्ट्रोक इसकी अपेक्षा पावर क्या देने वाला, कम। लेकिन अगर दक्षता की बात करें तो टू स्ट्रोक इंजन की दक्षता क्या होती है, अब पावर देगा तो हमने इसको कुछ खिलाया होगा तभी तो ये पावर देगा, यानी हमें हर दो स्ट्रोक के अंदर एक बार सक्शन करना होता है, एक बार सक्शन यानी पेट्रोल देना होता है, पेट्रोल हवा का मिश्रण देना होता है या फिर ईंधन देना होता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए यहाँ पर हमें इसकी खपत, ईंधन की खपत ज़्यादा, पावर चीज़ अलग होती है और दक्षता चीज़ अलग होती है ना, तो आपको पावर यहाँ से अच्छी मिलने वाली है लेकिन दक्षता आपकी यहाँ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब समझो रेलवे का डीजल इंजन जो है वो 16 सिलेंडर का है, V8 इंजन है, 16 सिलेंडर V8 इंजन, V8 में भी कौन सा है, टू स्ट्रोक है ना, टू स्ट्रोक CI इंजन है, वो टू स्ट्रोक CI इंजन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज हमने थोड़ा टू स्ट्रोक इंजन के बारे में, मूवमेंट के बारे में समझा, मूवमेंट किस तरीके से कंप्लीट होते हैं, दोनों स्लाइड को आपको मैंने चला के थोड़ा बता दिया, इस तरीके से इंजन स्टार्ट होगा और रेगुलरली यहाँ से नया चार्ज इस तरफ आता रहेगा, पुराने वाले चार्ज का कंप्रेशन होता रहेगा, कंप्रेशन होकर के वो बाहर की तरफ निकलता रहेगा, ये सारा सिस्टम आप क्या हो गया समझ गए। आज के लिए धन्यवाद करते हैं, वीडियो को लाइक करो सबसे पहली बात, अगर समझ में आ गया हो बढ़िया ढंग से, आप तो दोनों लाइक जानते हो, एक ये वाला भी जानते हो, एक दूसरा वाला भी जानते हो ना, ये वाला भी अगर अच्छा लगा हो तो भाई ये वाला भी कर दे, नहीं तो ये वाला तो चलता ही अपना है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, लाइक करने के बाद में इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और बेल आइकन दबाने के बाद में जो भी स्टूडेंट, मैंने आज अभी भाई वाईफाई स्टडी को बहुत लोग जानते हैं लेकिन अभी परिवार छोटा है, परिवार जिस चीज़ की उम्मीद है वो बहुत बड़ा परिवार करना है, तो कुल मिलाकर कहा जाए आप बेफिक्र रहिए, आपको चीज़ें मिलेंगी। अब मेरे को ये बोर्ड भी थोड़ा समझ में आने लगा है, तो अब मैं इस बोर्ड को समझ लेने लगा हूँ तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन आपको ढंग से कर पाऊँगा, है ना। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग।